हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे सामान्य ज्ञान के बारे में। तो इसमें हम लोग इतिहास टॉपिक को लिए हुए हैं अभी। तो इसमें हम लोग लास्ट लेक्चर में बात की थी सल्तनत काल के बारे में, दिल्ली सल्तनत के बारे में। ठीक है, इसमें बात करेंगे विजयनगर साम्राज्य के बारे में। याद रखिए, अगर आपने अभी तक पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं दिल्ली सल्तनत तक, तो वो सभी सामान्य ज्ञान के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची है उसी में डले हुए हैं। विजयनगर साम्राज्य को मध्ययुग का प्रथम हिंदू साम्राज्य माना जाता है। विजयनगर को मध्ययुग का प्रथम हिंदू साम्राज्य माना जाता है। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे आपके हरिहर एवं बुक्का 1336 में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर और बुक्का ने 1336 में। विदेशी यात्री अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर को विश्व का सबसे भव्य शहर बताया। विदेशी यात्री अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर को विश्व का सबसे भव्य शहर बताया। हरिहर बुक्का काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सेवक, फिर काम्पली राज्य में सेवक रहे, कालांतर में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा पकड़कर दिल्ली लाए गए थे। ठीक है, हरिहर एवं बुक्का ने संत विद्यारण्य के आशीर्वाद से विजय साम्राज्य की नींव डाली थी। हरिहर बुक्का ने संगम वंश का नाम अपने पिता संगम के नाम पर रखा था। संगम वंश का प्रथम शासक हुआ हरिहर प्रथम। ये रहा आपका 1336 से 1356 तक। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष हम्पी में पाए जाते हैं। विजयनगर की पुरानी राजधानी का प्रतिनिधित्व अनेगोंडी, विजयनगर, वेनुकोंडा और चंद्रगिरी करते हैं। विजयनगर से पहले इनकी राजधानी थी अनेगोंडी। ठीक है, विजयनगर का वर्तमान नाम हम्पी हस्तिनावती है। ठीक है, विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। याद रखना है आपको, विजयनगर किस नदी के किनारे? तुंगभद्रा नदी के किनारे। पूछ लेता है कई बार कि विजयनगर किस नदी के किनारे है, तो याद रखना 1336 में हरिहर ने हम्पी हस्तनावली राज्य की नींव डाली थी। उसी वर्ष उसने तुंगभद्रा के दक्षिणी तट पर एक नए विजयनगर अथवा विद्यानगर की स्थापना भी की थी। यही राज्य बाद में विशाल विजयनगर साम्राज्य बना। अपने इस साहित्यिक कार्य में हरिहर एवं बुक्का ने अपने गुरु विद्यारण्य तथा वेदों के प्रसिद्ध भास्कर सायण से प्रेरणा ग्रहण की। हरिहर प्रथम की मृत्यु हुई 1356 में। हरिहर प्रथम की मृत्यु कब हुई? 1356 में। हरिहर का उत्तराधिकारी हुआ बुक्का प्रथम। कौन हुआ? बुक्का प्रथम। बुक्का ने बहमनी तथा विजयनगर के मध्य की सीमा कृष्णा नदी को माना है। बुक्का ने बहमनी तथा विजयनगर के मध्य की सीमा कृष्णा नदी को माना है। बुक्का ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। बुक्का ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। देवराय प्रथम ने राज्य में सिंचाई सुविधा के लिए तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर नहरें निकाली थी। किसने? देवराय प्रथम ने। इटली का यात्री निकोलो कॉन्टी देवराय प्रथम के समय में विजयनगर आया था। ये कई बार पूछ लिया गया है कि निकोलो कॉन्टी, इटली का यात्री निकोलो कॉन्टी किसके समय में विजयनगर आया था? तो याद रखना, देवराय प्रथम के। देवराय द्वितीय को एम्पाड़ी देवराय द्वितीय को एम्पाड़ी देवराय के नाम से भी जाना जाता है। देवराय द्वितीय को फोड़ देवराय भी कहा जाता है। अपनी सेना में देवराय द्वितीय ने त्रोक धनुर्धारियों की भर्ती की थी। तेलुगु कवि श्रीनाथ देवराय द्वितीय के दरबार में रहता था। तेलुगु कवि श्रीनाथ देवराय द्वितीय के दरबार में रहता था। देवराय द्वितीय ने महानायक सुधा निधि ब्रह्मा सूत्र पर भाष्य संस्कृत ग्रंथ की रचना की। किसकी? देवराय द्वितीय ने महानायक
सुधानिधि एवं ब्रह्मा सूत्र का भाष्य संस्कृत ग्रंथ की रचना की। देवराय द्वितीय ने मुसलमानों को धार्मिक स्वतंत्रता दे रखी थी। ठीक है, आगे बात करें। अभिलेखों में देवराय द्वितीय को गज बैठकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गज बैठकर। प्रोण देवराय मल्लिकार्जुन को कहा जाता है। संगम वंश का अंतिम शासक कौन हुआ विरूपाक्ष। सालु वंश की स्थापना सालु नरसिंह ने की थी। कब? 1485 में। याद रखना, सालु वंश की स्थापना सालु नरसिंह ने की 1485 में। तुलुब वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की 1505 में। कृष्ण देवराय वीर नरसिंह का छोटा भाई था। विजयनगर का महानतम शासक हुआ कृष्ण देवराय। कृष्णदेवराय बाबर के समकालीन था। ठीक है, कृष्णदेवराय किसके समकालीन था? बाबर के। जिस समय बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय दक्षिण भारत में कृष्णदेवराय के नेतृत्व में विजयनगर संगठित एवं शक्तिशाली राज्य था। कृष्णदेवराय 8 अगस्त 1509 में गद्दी पर बैठा। कृष्णदेवराय ने यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की थी। किसकी? यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि किसने? कृष्णदेवराय ने ग्रहण की। हम्पी त्रिवनमली चिदंबरम श्रीरंग रंगम तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने रायगोपुरम का निर्माता विजयनगर साम्राज्य के महान शासक कृष्णदेवराय 1509 से 1529 तक था। इसके अतिरिक्त उसने विजय भवन, हजारा राम मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर, नागलपुर, हासपेट नगर आदि का निर्माण करवाया था। विजयनगर का प्रथम शासक कृष्णदेवराय था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी। ठीक है, कृष्णदेवराय के शासनकाल में विजयनगर एवं पुर्तगालियों के मध्य व्यापारिक संबंध प्रारंभ हुए। पुर्तगाल यात्री डोमिंगो पायस कृष्णदेवराय के समय विजयनगर आया था। कृष्णदेवराय तेलुगु साहित्य का महान विद्वान भी था। उसने अमुक्त माल्यद ग्रंथ लिखा है। अमुक्त माल्यद ग्रंथ किसने लिखा? कृष्णदेवराय ने। ठीक है, आगे बात करें। अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय के दरबार में रहने वाले 8 कवियों को कहा जाता है। अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय के दरबार में जो कवि रहते थे उन्हें कहा जाता है। ठीक है, 8 कवियों को अष्टदिग्गज। कृष्णदेवराय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है। किसके? कृष्णदेवराय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है। तेलुगु कविता का पितामह है अल्लासानी पेड्डाना को कहा जाता है। पेड्डाना की रचनाएं है मनुचरित, हरि कथा, सरणसम। ठीक है, पांडुरंग महात्मय की रचना तेनाली रामकृष्ण ने की थी। विजयनगर के शासक संस्कृत, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ आदि भाषाओं के संरक्षक थे। विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय ने संस्कृत में जामवंती कल्याणम नाटक लिखा। कृष्णदेवराय ने आंध भोज, आंध पितामह तथा अभिनव भोज की उपाधि ग्रहण की। कौन कौन सी? कृष्णदेवराय ने आंधभोज की भी उपाधि धारण की, आंध पितामह की भी उपाधि धारण की, अभिनव भोज की उपाधि भी कृष्णदेवराय ने ग्रहण की। नागलपुर नगर
विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्ण देवराय ने कराया था? नागलपुर नगर विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कृष्ण देवराय ने। इसने हजारा मंदिर का भी निर्माण कराया था, इसने हजारा मंदिर का निर्माण भी कराया था, ठीक है, कृष्ण देवराय ने। आगे बात करते हैं, राक्षसी तंगड़ी अथवा तालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 में हुआ। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहा था। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है, राक्षसी तंगड़ी अथवा तालीकोटा का युद्ध कब हुआ, तो याद रखना 23 जनवरी 1565 में। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व किसने किया? राम राय ने, ठीक है। सदाशिव ने अपनी राजधानी पेनुकुंडा में बनाई। आरवीडू वंश की स्थापना 1570 में तिरुमल ने की थी। विजयनगर के राजा को राय कहा जाता था, विजयनगर के राजा को राय कहा जाता था। कृष्ण देव राय के शासनकाल में प्रांतों की संख्या 6 थी, 6, ठीक है। अयंगार व्यवस्था ग्राम प्रशासन के 12 अधिकारियों को सामूहिक रूप से अयंगार कहा जाता था। चारों वर्णों में ब्राह्मणों इन्हें कोई सजा नहीं मिलती थी, को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, ठीक। क्षत्रिय वर्ण की जानकारी विजयनगर में नहीं मिलती है। मंदिरों में देव पूजा के लिए नियुक्त स्त्रियां देवदासी कहलाती थी, ठीक है। तो ये था आपका विजयनगर। आगे हम लोग बात करेंगे बहमनी साम्राज्य के बारे में, ठीक है।